स्टूडेंट, दिस इज विनीत त्यागी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट नंबर थर्ड, दैट इज नेटवर्किंग। आज जो है हम यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का, जिसमें नेटवर्क की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो जब भी टू और मोर देन टू कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ वे सो दैट दे कैन शेयर द रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीडी, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा। मतलब कोई भी अगर ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है जो किसी रिसोर्सेज को या फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, वो नेटवर्क होता है। बेनिफिट्स क्या है कि देखिए, आपका एक तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। सेकंडली क्या है कि आप किसी भी रिसोर्स को लाइक कंप्यूटर सॉरी प्रिंटर है वो अटैच है आपके सर्वर पर, और बाकी सब जो डिवाइसेज नोड हैं वो सेम जो है उसको एक्सेस कर सकती हैं, और लेस एक्सपेंस है। अब सपोज कीजिए आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर है, सभी को डिफर डिफर प्रिंटर चाहिए, तो डिफर डिफर ना कर करके हम एक सिंगल पर लगा देंगे और उसको शेयर कर देंगे, तो और आपका पावर कंजप्शन भी लो हो जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड है, जैसे नोड्स किसको बोलते हैं, सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU, IP एड्रेस, डोमेन नेम। क्लासेस में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, एक बार मैं और बता देता हूँ। तो जो कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, उसको नोड बोलते हैं, और जहाँ से वो सब कनेक्टेड रहते हैं उसको सर्वर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब की बात करें तो एक सिस्टम जिससे हम मेनली एक सर्वर एज अ सर्वर यूज़ कर रहे हैं, सर्वर है, बाकी सब नोड्स हैं, और जिनसे इनका इंटरफेस होता है वो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। IP एड्रेस आप सभी को पता है, किसी भी मोबाइल फ़ोन का जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम है उसका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होगा। डोमेन नेम, आपको कंप्यूटर कनेक्टेड होता है इंटरनेट, मस्ट बी यूनिक। तो जो भी आइडेंटिफाई या लोकेट करेगा किसी कनेक्टेड कंप्यूटर को, वो डोमेन होगा। URL का आपको पता ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। सेंडर वो लोग होते हैं जो मैसेज सेंड करते हैं, रिसीवर रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडिया कुछ भी हो सकती है, वायर्ड हो सकती है, वायरलेसली हो सकती है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं, और कुछ डायग्राम यहाँ दिए गए हैं। इसको आपको जब मैं PDF आपको मैं शेयर करूँगा तब आपको अच्छे से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, PAN हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। इसके बाद इसमें स्विचिंग टेक्निक्स दिखा रखे हैं, डेटा कैसे ट्रैवल होता है और किन किन तरीक़ों से हम इसको भेज सकते हैं, ये सारा इसमें बताया गया हुआ है। कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह की होती है, गाइडेड जिसमें वायर होते हैं, अनगाइडेड जिसमें वायर नहीं होते। तो वायर्ड वाली में क्या होता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, जो नॉर्मल वायर है ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, दो तार होते हैं लिपटे हुए आपस में। जैसे आपने पुरानी टाइम में देखा होगा कि जो बल्ब होता था तो उसको एक होल्डर में लगा कर रखते थे, उसमें दो वायर होते थे, तो वो जो है ट्विस्टेड पेयर है। कोएक्सियल केबल जैसे आपने देखा होगा अपने डिश TV या अपने सेट ऑफ बॉक्स में पीछे की तरफ, या तो कोएक्सियल केबल लगा होगा या फाइबर, जिसमें कुछ फाइबर टाइप कुछ होते हैं, तो वो सेम एक जैसे ही है, एक में फाइबर होता है एक में फाइबर नहीं होता। और एक वायरलेसली मतलब इंफ्रारेड वेव्स है, जैसे आपका रिमोट चलता है TV का, रेडियो वेव्स का आपको पता है, माइक्रोवेव, सेटेलाइट और ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो ये इसने इसके मोड्स बताए हैं। ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल को इसने अलग अलग डिफाइन किया है, और सबके डेटा रेट बताए हैं कि किस वायर में कितनी स्पीड किस किस तरीके से चलती है। इसके बाद वायरलेस मीडिया है, वायरलेस में रेडियो वेव्स और उनकी एडवांटेजेस हैं, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड सैटेलाइट, जो क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ भी आप अगर चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आर व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन टॉक टू मी इन द क्लास। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट है और वो कोई सर्विस चाह रहा है, मान लीजिए आप गूगल से कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप क्लाइंट हैं और सर्वर से आप गूगल सर्वर से कुछ मांग रहे हैं, वो आपको कुछ डेटा उठा करके देगा, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग है कि क्लाउड पे अपना डेटा सेव कर सकते हैं, हमसे MI क्लाउड है, सैमसंग क्लाउड है या गूगल ड्राइव वगैरह, सब क्लाउड सर्विसेज ही। और IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब हम किन किन चीज़ों को कैसे कैसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस में कुछ लेयर्स दिखाई गई हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको आप मत करें। इसमें इसके जो पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे और राउटर हमारे सिलेबस में है। अब जो हब है वो आपका क्या करता है कि आपके सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच क्या करता है कि स्विच उसी नोड पे, हब तो सभी नोड्स पे कर देगा, मान लीजिए कोई सर्वर है और सर्वर से क्या है हब लगा हुआ है, मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट है, तो हब क्या करेगा सभी पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, चाहे सिस्टम किसी डेटा को मांग रहा है या नहीं। जबकि स्विच क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर को देगा। रिपीटर क्या करता है कि वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कर
कन्वर्ट कर देता है। गेटवे क्या है कि आपके डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ेगा। गेटवे एक गेट है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने का, राउटर या रूटर जो आपका रूट सेट करेगा। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट है आपका जो वायरलेसली आपको एक एक्सेस पॉइंट देगा जिससे आप वायरलेसली कनेक्ट होंगे। यहाँ सभी डिवाइसेस को अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद जो है आपका इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा वाया व्हाट्सएप, और जो है कि आप स्कूल में भी क्लासेस में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।